Good morning students, welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 9 for a cause. Many diseases are preventable or curable if diagnosed at an early stage, however they often go undetected because of lack of awareness. In order to create awareness and in some cases to raise funds or simply to lend support, individuals and organizations have come together and devised ingenious way to educate people for a cause. So जो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं या तो प्रिवेंटिवल या तो हम उनसे बच सकते हैं या उनका इलाज कर सकते हैं अगर हम उन्हें शुरू शुरू में ही पहचान जाए, डायग्नोस मतलब उसका डिटेक्ट करना, अगर हम पहले ही उसका पता लगा लें. पर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता है और वो इसलिए अनडिटेक्टेड रह जाती है, तो मतलब उनका पता नहीं लगता हमें कि हमें वो बीमारी है कि नहीं. और लोगों को उनके बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए लोग फंड्स मतलब पैसे इकट्ठा करते हैं और कभी कभार उनके इलाज के लिए भी काफ़ी लोग या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पैसे इकट्ठा करते हैं. हम आज यही देखने वाले हैं कि लोगों ने कैसे स्मार्ट इंजीनियस मतलब होता है कोई स्मार्ट वे कोई स्मार्ट डिवाइस स्मार्ट वेज फाउंड किए हैं जिससे लोगों को बीमारी के बारे में पता लगे और उनके कैसे हम क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एड्स इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिस्टर्बेंस और वैकेंसी सिंड्रोम. ओके यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस. सो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. आप इजीली कह सकते हो क्योंकि लास्ट वर्ड एस है तो इट कुडंट बी डिस्टर्बेंस. ये होगा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. डेफिशिएंसी और डिस्टर्बेंस में से आप डेफिशिएंसी पे टिक लगा दीजिए. इसके अंदर पहले हम रीड कर लेते हैं. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड एचआईवी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस नॉट हर्ट इम्यून डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन पे टिक लगाइए. इट्स अवेयरनेस सिंबल इज द रेड रिबन. इसके अवेयरनेस का क्या सिंबल है? रेड रिबन नॉट स्ट्रिंग. वर्ल्ड एड्स डे इज ऑन फर्स्ट दिसंबर नॉट जनवरी दिसंबर पे. सो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इम्यून मतलब वो होता है जो आपके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं. आपने देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, ये आपकी इम्यून सिस्टम और उस बीमारी की लड़ाई की वजह से होता है. तो जब भी आप में वो इम्यून सिस्टम कम हो जाता है तो उस कमी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी. सो जब भी आपके एड्स के अंदर क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है. सो इससे आप दूसरी बीमारियों के चपेट में आराम से आ जाते हैं, तो ये काफ़ी डेंजरस बीमारी है. नेक्स्ट वन इज ऑटिज़म. ऑटिज़म और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इज़ एनी लर्निंग और डेवलपमेंट डिसेबिलिटी. लर्निंग और वॉकिंग में आप लर्निंग पे टिक कर लीजिए. लर्निंग और डेवलपमेंट डिसेबिलिटी. इट इज़ कॉज्ड बाय अ ब्रेन नॉट स्पाइन. ब्रेन पे टिक करो. ब्रेन अबनॉर्मलिटी एंड इज ऑफ वेरिंग डिग्री इन डिफरेंट पीपल. इट्स अवेयरनेस सिंबल इज द जिग्सॉ नॉट कलरफुल. जिग्सॉ पे टिक करो. जिग्सॉ रिबन. वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज ऑन 2nd अप्रैल. सो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो एक तरीके का लर्निंग और डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है. मतलब अगर किसी पर्सन में जल्दी सीखने या ग्रो करने की कैपेबिलिटी कम हो, जैसे कोई हमने देखा होगा कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें और कुछ होते हैं जिन्हें टाइम लगता है, तो इस बीमारी के अंदर ऐसा होता है कि आपको समझने नई चीज़ें सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है. ये किस लिए होता है? क्योंकि उनके ब्रेन में कुछ अबनॉर्मलिटी होती है, उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो नई चीज़ें नहीं सीख पाते. इसलिए ये
कई डिफरेंट पीपल में डिफरेंट होती है। इस ये जो डिसीज़ है इसका जो सिंबल है वो एक जिग्सो रिबन है। आप देख सकते हैं इस रिबन के अंदर जिग्सो पजल बनी हुई है, जैसे हम छोटे छोटे पीसेस बना के जिसे ज्वाइन करते हैं वैसे ही जिग्सो बना हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। तो इससे बनी हुई जो रिबन होती है ये इसका सिंबल होता है। एंड द वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd अप्रैल। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, ब्रेस्ट कैंसर। द पिंकथॉन, नॉट मैराथन, पिंकथॉन इज अ 10 किलोमीटर रन फॉर वुमेन इन मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। मोस्टली वुमेन आर अफेक्टेड बाय ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे मोस्टली पर्टिकुलर नहीं है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रॉथ, टेक ऑन ग्लेन मैकग्रॉथ रन्स अ फाउंडेशन इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ जेन हु लॉस्ट हर फाइट टू ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं ये। इसके पहली बात तो ब्रेस्ट कैंसर होता है जो चेस्ट साइड में यहाँ पे कैंसर होता है उसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। सो इसके अवेयरनेस के लिए एक 10 किलोमीटर की रेस होती है जिसे हम कहते हैं पिंकथॉन। इसके अंदर वुमेंस होते हैं वो 10 किलोमीटर्स भागती है और ये पूरे वर्ल्ड में ये मैराथन होती है ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले इस बारे में। जो मोस्टली होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो वुमेंस को ही होता है। फॉर्मर क्रिकेटर मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं फास्ट बॉलर जिनका नाम है ग्लेन मैकग्रॉथ, यू कैन सी हिज पिक्चर। उन्होंने एक फाउंडेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है जब ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट, जब उनकी वाइफ जेन की डेथ हो गई ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन इज लिव स्ट्रॉन्ग और यू स्ट्रॉन्ग एंड यू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर कैंसर। दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन USA एंड इंडिया, नॉट UK एंड फ्रांस, USA और इंडिया पर्टिकुलरली, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल विद कैंसर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो पैसे हैं ये सारा कैंसर पीड़ित लोगों पे खर्च कर देती हैं। कहाँ पे है ये? USA और इंडिया में। टू प्रोवाइड सपोर्ट, वो उन लोगों को सपोर्ट करती हैं गरीब लोगों को जिनको कैंसर है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लिव स्ट्रॉन्ग एंड यू स्ट्रॉन्ग। दे वर फाउंडेड बाय डिस्ग्रेस्ड रोड साइकिलिस्ट एंड कैंसर सर्वाइवर लेंस। इसका नाम क्या है? लेंस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने बनाई थी? एक साइकिलिस्ट थे जिनका नाम था लेंस और वो एक कैंसर सर्वाइवर थे, मतलब उन्हें भी कैंसर हुआ था पर वो उन्होंने उसका इलाज करा लिया था। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग एंड युवराज सिंह, द सेकेंड पर्सन हु फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज युवराज सिंह। युवराज सिंह को तो आप जानते ही होंगे, ही वॉज एन इंडियन क्रिकेटर हु ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम कैंसर। कैंसर इज अ क्लास ऑफ डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय आउट ऑफ कंट्रोल सेल ग्रोथ। देयर आर ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। सो कैंसर एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो सेल की ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे भी कैंसर होता है वहाँ पे सेल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लग जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा कुछ भी आपका सेल का जो टिश्यूज़ है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ओवर 100 से भी ज़्यादा टाइप के कैंसर प्रेजेंट है वर्ल्ड में। और इन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लिव स्ट्रॉन्ग एंड यू स्ट्रॉन्ग, ये इसके अगेंस्ट एक्शन लेती है या फाइट करती है और लोगों को सपोर्ट करती है इन द कैंसर सिचुएशन। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, अर्थ आर सेविंग द एनवायरनमेंट। एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF All homes, companies and organizations turned off their lights.
Earth hour is held every year between 8:30 PM and 9:30 PM on the last Saturday of March. So Earth hour, Earth hour मतलब Earth के लिए एक घंटा. इस ये शुरू किया था वर्ल्ड वाइड फंड ने, जो वर्ल्ड वाइड फंड जो एनिमल्स और नेचर्स को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया था. इसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और हर घर, मतलब जहाँ पे भी बिजली यूज़ करते हैं, वो अपनी बिजली या लाइट्स हैं वो एक घंटे के लिए बंद रखती है. तो जो एनर्जी कंजर्व होती है, अगर पूरा वर्ल्ड एक साथ अपनी बिजली बंद कर देता है तो जितनी एनर्जी बचती है उससे जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फैलता है वो कम हो जाता है. सो ये जो वन आवर होता है ये कब होता है, मार्च के लास्ट सैटरडे को शाम को 8:30 to 9:30 PM, और इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ आर. नाउ द बी पार्ट, दीज रिबन्स आर वर वॉन फॉर स्पेसिफिक कॉसेस और इन द मेमोरी ऑफ स्पेशल पीपल, टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे कुछ रिबन्स होंगे जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, आपको बताना है कि कौन सा रिबन का क्या है. सो द फर्स्ट रिबन यू कैन सी देयर इज अ रेड एंड रेड ब्लू एंड वाइट रिबन. आपको ये बताना है कि ये जो रिबन है वो किस लिए यूज होता है. विक्टिम एंड हीरोज ऑफ 9/11 अटैक, विक्टिम एंड हीरोज ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान. राइट आंसर इज विक्टिम एंड हीरोज ऑफ 9/11 अटैक. जो 9/11 अटैक हुआ था, ये जो अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया गया था तो उसके याद में ये जो रिबन है वो यूज होता है. सो मार्क द फर्स्ट वन. सेकंड वन इज अ वाइट रिबन विद रेड डॉट. ये जो आपको रिबन है वो किस लिए यूज़ होता है, जैपनीज अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट या सुनामी रिलीफ एफर्ट. आंसर इज जैपनीज अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट. यू कैन सी द वाइट रिबन एंड रेड डॉट, ये थोड़ा जैपनीज फ्लैग की तरह शो हो रहा है. जैपनीज फ्लैग के अंदर भी आपने देखा होगा रेड डॉट होता है, रेड कलर का सर्कल होता है, ये बिल्कुल जैपनीज फ्लैग जैसा लग रहा है. इसलिए आप आराम से बता सकते हैं कि दिस इज बिलोंग टू जैपनीज अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट. नाउ द थर्ड वन, देयर इज अ रेड येलो एंड ब्लू कलर रिबन. आपको बताने की किस लिए है, फ्लड रिलीफ एफर्ट इन चाइना, चिली एंड हेटियनियन अर्थक्वेक रिलीफ एफर्ट. सो द आंसर इज फ्लड रिलीफ एफर्ट इन चिल. मार्क दिस आंसर. समटाइम्स पीपल ऑल्सो यूज सिंबल एंड साइन टू प्रोटेस्ट और शो देयर डिसअप्रूवल. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोटेस्ट एवर. US एथलीट टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस प्रोटेस्टेड ड्यूरिंग द विक्ट्री सेरेमनी ऑफ 200 meter रेस एट मैक्सिको ओलंपिक्स इन 1968 बाई बोइंग देयर हेड्स एंड रेजिंग देयर ग्लव फिस्ट एज द सिंबल ऑफ ब्लैक पावर. एज द US नेशन एंथम प्लेड दे ऑल्सो वर ब्लैक सॉक्स विद नो शूज. इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिसम इन देयर कंट्री, द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स बाय द गवर्नमेंट. 30 years later in 1998 the US government honored the two athletes. So कुछ लोग होते हैं वो अलग अलग वे शो करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए. सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि दो ब्लैक एथलीट जिनका नाम है, फर्स्ट वन जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनका नाम है टॉमी स्मिथ एंड द सेकंड वन जिनका नाम है, थर्ड वन जिनका नाम है जॉन कार्लोस, देवर ब्लैक पीपल. और उन्होंने ये जो रेसिज्म जो भेदभाव होता है अमेरिका में ऑन द बेसिस ऑफ कलर उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट किया था कि जब उन्हें प्राइज सेरेमनी दी गई और जब नेशनल एंथम बज रहा था उनका तो उन्होंने अपने दोनों फिस्ट रेज किए, उन्होंने ब्लैक कलर के सॉक्स भी पहन रखे थे और हेड डाउन कर रखा था. तो ये एक तरीके का उनका प्रोटेस्ट था इस रेसिज्म के अगेंस्ट. सो 1998 में जब
यूएस गवर्नमेंट ने ये जो रेसिज्म है इनके अगेंस्ट लॉ बनाना शुरू किया, तो उन्होंने इन दो एथलीट को भी ऑनर किया। नाउ क्विक क्विज, डू यू नो व्हाट ब्लैक आर्म बैंड यूजली सिग्निफाई ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड? आपने देखा होगा कि कभी कभी जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वहाँ पे प्लेयर एक ब्लैक आर्म बैंड, एक आर्म बैंड होता है वो अपने हाथ पे बांध के आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिकेटर्स ने अपने लेफ्ट हैंड पे आर्म बैंड बांध रखा है। सो ये किस लिए बांधते हैं? सो द आंसर इज़ व्हेन देयर इज़ अ लॉस, मतलब अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है कोई क्लोज या किसी टीममेट की, तो ये ग्रीफ शो करने के लिए, मतलब अपना दुख शो करने के लिए हाथ में ब्लैक बैंड पहनते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, गो थ्रू इट अगेन। वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।